30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब 57 लोगों ने शपथ ली तो राष्ट्रपति भवन में सबसे ज्यादा तालियां प्रताप चंद षडंगी ने बटोरी। वो बालासोर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 64 साल के प्रताप चंद षडंगी साइकिल और ऑटो रिक्शा से चुनाव प्रचार करते रहे हैं। ऐसे में जब वो संसद पहुंचे तो लोगों की निगाह सबसे ज्यादा प्रताप चंद पर रही। मोदी कैबिनेट में वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। प्रताप ओडिशा में बजरंग दल के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए प्रताप लंबे वक्त तक जमीन पे अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं। नीलगिरी क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके प्रताप अपने घर के कच्चे मकान में रहते रहे हैं। 2004 से 2014 तक जब वो विधायक रहे थे तब भी उनके घर में एक चटाई, कुछ किताबें और एक पुराना टीवी ही था। 2019 के चुनावी मैदान में प्रताप चंद्र के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक के बेटे नवज्योति पटनायक थे। हालांकि प्रताप चंद्र की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है। प्रताप चंद्र के खिलाफ दंगा, धार्मिक उन्माद जैसे भड़काने के कई मामले दर्ज हैं। 2019 के शपथ पत्र के अनुसार प्रताप के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना और दंगा, धार्मिक भावनाएं भड़काने आदि के मामले शामिल हैं। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। जनवरी 1999 में क्योंझर जिले में जब एक ऑस्ट्रेलियाई समाज सेवी और उनके 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी तब प्रताप चंद्र ही प्रदेश में बजरंग दल के अध्यक्ष थे। इस केस में बजरंग दल से ही जुड़े हुए दारा सिंह को दोषी ठहराया गया था। प्रताप चंद हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर अभियान चलाते रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ओडिशा का मोदी भी कहते हैं क्योंकि वो भी अपना घर बार छोड़ चुके हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब जब वो सरकार में आ गए हैं तो ये देखना होगा कि वो मोदी की ही तरह जीवन शैली को अपनाते हैं या जो उनकी जीवन शैली थी उस पर कायम रहते हैं।